लास्ट वीडियो में मैंने पेट्रोल का जुगाड़ करने के लिए कोयुल विलेज का रुख किया। पहले मैंने सोचा था कि एक छोटा सा कस्बा होगा, लेकिन मैं गलत था। ये कोयुल गांव इंडो चाइना बॉर्डर का स्ट्रेटेजिकली एक काफी इंपॉर्टेंट विलेज है। थोड़ा इधर उधर भटकने के बाद मुझे यहाँ एक होम स्टे भी मिल जाता है। अब इस होम स्टे और होस्ट के बारे में मैं जो भी बताने वाला हूँ वो सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, और एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर होने के नाते मैं कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा। जैसे प्लेन्स के विलेजेस में गांव का एक प्रधान होता है, वैसे ही इन जगहों पे प्रधान के घर को टोंगस्पॉल बोलते हैं। मेरे होम स्टे के ऑनर उर्ग्यान अंकल है, जिन्होंने इंडिया के लिए तिब्बत में जाकर स्पाई का काम किया था। अब इनकी उम्र 75 के आसपास है और सेहत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती। वैसे जब मैं इस होम स्टे पहुंचा तो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर आते हैं और उन्होंने सब कुछ बहुत बारीकी से चेक किया, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स, परमिट्स और गाड़ी के कागज। इस बीच आंटी ने बढ़िया सी चाय भी बना दी थी और हमने इस बुखारे के पास बैठकर आग सेकते हुए तिब्बत और चाइना से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। वैसे जब मैंने आंटी से स्माइल करने को बोला तो उनका जवाब था, मैं बुड्ढी हो गई, मेरे स्माइल का क्या करोगे। अब मैं आंटी को क्या ही पता था कि उनकी स्माइल कितनी प्यारी है। कल सुबह मैं आपको ये प्यारा सा होम स्टे दिखाऊंगा और हम बॉर्डर विलेज के लाइफस्टाइल के बारे में और बारीकी से जानेंगे।